तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर आज के इस लेटेस्ट वीडियो में और आप देख रहे हैं खबर आप तक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बॉलीवुड के सबसे दबंग नेता और अपनी आवाज और अपने एक्शन सीन से दर्शकों को अपनी तरफ खींच लेने वाले फिल्म अभिनेता सनी देओल अब उनके बेटे करण देओल को लॉन्च करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उनकी फिल्म पल पल दिल के पास आने वाली 20 सितंबर को बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में सनी देओल के बेटे करण देओल के अपोजिट सहर बांबा हीरोइन को लिया गया है। ये भी अपनी पहली फिल्म डेब्यू फिल्म कर रही है। करण देओल की पहली डेब्यू फिल्म पल पल दिल के पास एक रोमांटिक लव स्टोरी है। इसमें एक्शन के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा एडवेंचर और लव सीन्स दिखाए गए हैं। फिल्म अभिनेता करण देओल सनी देओल के बेटे हैं और सनी देओल उन्हें अपनी ही फिल्म प्रोडक्शन सनी प्रोडक्शन हाउस से लॉन्च कर रहे हैं। फिल्म अभिनेता करण देओल नए बड़े पर्दे पर कितना धूम मचा पाते हैं और अपने पिता का नाम कितना रोशन कर पाते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा। आपको बता दें कि फिल्म पल दिल के पास फिल्म सनी देओल ने ही प्रोड्यूस की है और उसको उनके पिता धर्मेंद्र का भी सपोर्ट मिल रहा है, यानी कि तीसरी पीढ़ी फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र, फिर सनी देओल और अब उनके बेटे करण देओल बॉलीवुड के अंदर कदम रखने जा रहे हैं। इसको लेकर के फिल्म के दबंग स्टार सलमान खान ने भी प्रशंसा की है। सलमान अपने ट्विटर हैंडल पर इस वीडियो का प्रीमियर प्रोमो ट्रेलर लॉन्च किया और उसके साथ ही उनको शुभकामनाएं दी। फिल्म अभिनेता सलमान खान और धर्मेंद्र के बीच कितनी अच्छी केमिस्ट्री है ये तो सब आप जानते ही हैं, लेकिन बड़े पर्दे पर करण देओल अब कितना धूम मचा पाएंगे ये तो आने वाला समय तय करेगा। तो सनी देओल के बेटे करण देओल की फिल्म 20 सितंबर को पल पल दिल के पास रिलीज हो रही है और आप भी चाहें तो सनी देओल के बेटे का लुक देखने के लिए थिएटर तक जा सकते हैं। इससे जुड़ी तमाम अपडेट जानकारी और पहुंचाएंगे आपके लिए। देखते रहें हमारा YouTube चैनल खबर आप तक। धन्यवाद।